हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एंट क्लासेस। आज की क्लास में हम फेज कंट्रोल्ड रेक्टिफायर स्टडी करने वाले हैं। तो फेज कंट्रोल रेक्टिफायर में सबसे पहले हम ये समझ लें कि हम इसे फेज कंट्रोल रेक्टिफायर क्यों कहते हैं, व्हाई इट इज कॉल्ड फेज कंट्रोल रेक्टिफायर, है ना। हमें परिभाषा पता है कंट्रोल रेक्टिफायर की, क्या है कि रेक्टिफायर जो होता है, रेक्टिफायर करता क्या है, बेसिकली रेक्टिफायर करता है एसी को डीसी में कन्वर्ट, है ना। और यदि यही कन्वर्जन हमें कंट्रोल्ड वे में मिलने लगे, है ना, या कंट्रोल्ड मिलने लगे, तो हम उसको कंट्रोल रेक्टिफायर बोलने लगते हैं। ठीक है, अब कंट्रोल रेक्टिफायर इसको क्यों कह रहे हैं हम, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ यहाँ पर। सबसे पहले हम इसका एक वेवफॉर्म डायग्राम बना लेते हैं ताकि हमें ये समझ में आ जाए कि हमें इसको फेज कंट्रोल क्यों कह रहे हैं। देखिए, ये हमारी एसी साइकिल है, दिस इज अवर साइन वेव, है ना, अल्टरनेटिंग करंट। इसमें हम क्या कर रहे हैं, एससीआर के थ्रू हम रेक्टिफायर बना रहे हैं। एससीआर के थ्रू रेक्टिफायर बनाने से हमें बेनिफिट ये है कि यहाँ पे गेट टर्मिनल है, और जब तक कि हम गेट पे सप्लाई नहीं देते, हमारा एससीआर ऑन नहीं होता है। तो इसके थ्रू हम जो आउटपुट वोल्टेज लेते हैं, ये आउटपुट वोल्टेज क्या होता है, हमको एक उस इंस्टेंट से मिलने लगता है जहां पे अपन गेट को सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। तो हम इस एंगल को मान लेते हैं कि ये अल्फा एंगल है, जिसपे हमने क्या किया है, गेट टर्मिनल को ट्रिगर किया है, और इस गेट टर्मिनल से हमने यहाँ अल्फा से लेके पाई तक आउटपुट लिया है। इसके बाद चूंकि सेमीकंडक्टर डिवाइस है, तो नेगेटिव साइकिल में तो ऑफ हो जाएगी, ये वेल नोन कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर ये अल्फा से हमने इसको ऑन किया है। तो देखिए, जो साइन वेव हमारी अवेलेबल है वो जीरो से लेके पाई तक है, लेकिन हमारे पास क्या फैसिलिटी है इस गेट टर्मिनल के कारण कि हम इसको किसी भी इंस्टेंट से जीरो से पाई के बीच में किसी भी एक पर्टिकुलर एंगल पर इसे ऑन कर सकते हैं। मान लीजिए अल्फा हम एंगल पर हमने अल्फा ले लिया, हमने 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री पर ऑन कर सकते हैं, या फिर हम अल्फा को 45 डिग्री भी ले सकते हैं, 60 भी ले सकते हैं, वॉट एवर। सो हमारे पास कंट्रोलिंग कहाँ है, जीरो से लेके पाई तक हमारे पास इसका आउटपुट लेने की कंट्रोलिंग है, इसीलिए हम इसको फेज कंट्रोल रेक्टिफायर कहते हैं। और ये जो साइन वेव हमने बनाई है, है ना, ये हमारा फेज ही है, है ना, ये हमारा फेज है। जैसे हम आर फेज, वाई फेज, बी फेज कहते हैं, तो ये फेज की कैरेक्टरिस्टिक है जो कि हमारी अल्टरनेटिंग या साइनोसोइडल नेचर है। दिस इज द रीजन कि हम इसको क्या कह रहे हैं, फेज कंट्रोल रेक्टिफायर कह रहे हैं। ठीक है, तो ये था एक छोटा सा एग्जाम्पल या एक क्वेरी, या हम कह सकते हैं कि इंटरव्यू या वाइवा में जो हमसे छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम इसको फेज कंट्रोल रेक्टिफायर क्यों कहते हैं, क्योंकि हम इससे जो कंट्रोलिंग ले रहे हैं वो फेज को कंट्रोल कर रहे हैं, इसलिए हम इसको फेज कंट्रोल रेक्टिफायर कह रहे हैं। अब देखिए, सबसे पहला रेक्टिफायर हम डिजाइन करेंगे विथ रजिस्टिव लोड, है ना। लोड हमारे पास देखिए बहुत सारे टाइप के होते हैं, रजिस्टिव लोड होता है, इंडक्टिव लोड होता है, कैपेसिटिव लोड होता है, बट आज हम जो देखने वाले हैं वो सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर विथ आर लोड, है ना। ध्यान रखना, ये हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर है। हाफ वेव मतलब जिसमें साइन वेव हमारे पास एक फर्स्ट क्या है, पॉजिटिव हाफ साइकिल, एंड नेक्स्ट इज व्हाट, नेगेटिव हाफ साइकिल। तो जब हमें सिर्फ हाफ साइकिल पे कंट्रोलिंग मिलती है तो हम उसको हाफ वेव रेक्टिफायर कहते हैं। जब हमें फुल साइकिल पे कंट्रोलिंग मिलती है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइकिल पे, तो हम उसे फुल वेव रेक्टिफायर कहते हैं। ठीक है, तो अभी हम स्टडी कर रहे हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। इस हाफ वेव रेक्टिफायर में हमारे पास जो लोड लगा हुआ है वो रजिस्टिव लोड है, और इसको मैंने यहाँ पे सर्किट डायग्राम में रिप्रेजेंट किया है। सो दिस इज द सर्किट डायग्राम, एक सिंपल सा सीरीज सर्किट है जहाँ पे इनपुट क्वांटिटी अपन ने Vs दिया है, एंड दिस Vs इज बेसिकली Vm sin ओमेगा t, है ना। ये हमारी इनपुट क्वांटिटी है जिसको अपने इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया, और ये सीरीज सर्किट है। वोल्टेज सोर्स, थायरिस्टर और रजिस्टर यहाँ पे सीरीज में लगे हुए हैं, ठीक है, और एनोड, कैथोड एंड गेट टर्मिनल ऑफ द एससीआर इज मेंशन्ड इन द सर्किट, यहाँ पे सर्किट में मैंने रिप्रेजेंट किए हैं। आउटपुट पे हम जो वोल्टेज ले रहे हैं वो वी नॉट है, और आउटपुट का करंट हमारा आई नॉट है। अब हम इस रेक्टिफायर को कुछ डिफरेंट मोड में स्टडी करेंगे जिससे कि हम इसका प्रॉपर आउटपुट और वेवफॉर्म ड्रॉ कर सके कि किस तरह बनेगी। तो सबसे पहला मोड हम ले लेते हैं एट इंस्टेंट ओमेगा टी इक्वल टू जीरो। अब ओमेगा टी इक्वल टू जीरो पे आने के लिए हम यहाँ पे वेवफॉर्म पे आ जाए,
क्योंकि जो हमारा एक्सिस है वो कौन सा एक्सिस है, ओमेगा टी एक्सिस है, राइट। और जो हमारी इनपुट क्वांटिटी है वो साइनसोडियल है। तो देखिए जिस तरह मैं ड्रॉ कर रहा हूँ आपको ड्रॉ भी करते आना चाहिए कि कितने सही तरीके से हमें वेवफॉर्म ड्रॉ करना है। सो दिस इज द पॉजिटिव हाफ साइकिल फर्स्ट, एंड दिस वन इज द नेगेटिव हाफ साइकिल। इसको मैं थोड़ा सा फिर से बना लेता हूँ इसकी डेप्थ। दिस इज द नेगेटिव हाफ साइकिल, ओके। एंड नेक्स्ट इज अगेन द पॉजिटिव हाफ साइकिल, एंड नेक्स्ट इज अगेन द नेगेटिव हाफ साइकिल, ओके। तो ये हमारी अल्टरनेटिंग वेव है और ये हमारा ओरिजिन है, ठीक। ये इंस्टेंट हमारी पाई है, ये इंस्टेंट हमारी 2π है, ये इंस्टेंट हमारी 3π है, ठीक है। और रेफरेंस एक्सिस ओमेगा टी है, ध्यान रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है, एक्सिस हमारा ओमेगा टी है। अब इस गेट को ऑन करने के लिए हमें क्या होता है, गेट पल्स प्रोवाइड करनी पड़ती है, गेट टर्मिनल। तो एक एक्सिस हमने यहाँ पे गेट पल्स के लिए बना के रखा हुआ है। हम सबसे पहले मोड में आते हैं ओमेगा टी इक्वल टू 0 पर, हमने थायरिस्टर को हम टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और हमने इसे ऑन नहीं किया तो ये ऑफ कंडीशन में, यदि ऑफ कंडीशन में है और टी इक्वल टू 0 पर है, ओमेगा टी इक्वल टू 0 पर, तो 0 प्लस इंस्टेंट पर अपन देखेंगे पॉजिटिव साइकिल आ रही है। जब ये पॉजिटिव साइकिल आ रही है तो एससीआर की जो पोलैरिटी रहेगी वो क्या रहेगी, एससीआर के क्रॉस एनोड पे पॉजिटिव और कैथोड पे नेगेटिव, ठीक है, ये हमारी पोलैरिटी रहेगी, ठीक। और आउटपुट देखिए, यदि सेमीकंडक्टर डिवाइस ये ओपन है तो इनपुट दिस इज वीएस एंड दिस इज द आउटपुट वोल्टेज इज डिस्कनेक्टेड है, लोड सेक्शन है ना, ये लोड पार्ट है और ये इनपुट पार्ट है, तो ये दोनों क्या डिस्कनेक्टेड है, तो इनपुट इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द आउटपुट, तो आउटपुट पे कोई भी वेवफॉर्म नहीं आएगी। तो यदि मैं आउटपुट वेवफॉर्म बोलूंगा यहाँ पर तो मैं इसको 0 ड्रॉ करूंगा, इसी कारण सर्किट हमारा ओपन है तो ऑब्वियसली आउटपुट करंट की वैल्यू भी मैं 0 ड्रॉ करूंगा, ठीक है, राइट। लेकिन नेक्स्ट इंस्टेंट जो रहेगी वो क्या रहेगी, मोड नंबर 2, उस समय हम ओमेगा टू इक्वल टू अल्फा पर है ना, एक अल्फा एंगल लेंगे जिसको अपन फायरिंग एंगल कहते हैं, ठीक है। तो इस फायरिंग एंगल पे हम क्या करने वाले हैं, हम एससीआर को टर्न ऑन करेंगे। एससीआर को टर्न ऑन करेंगे मतलब हम उसे ट्रिगर करेंगे, जब हम एससीआर को ट्रिगर करेंगे तो डेफिनेटली वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो इस वेवफॉर्म को ड्रॉ करने से पहले हम इसके एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए ये एंगल कोई पर्टिकुलर एंगल है अल्फा, इस अल्फा एंगल पे मैंने क्या किया है, एससीआर को ऑन कर दिया है और ये हमारा पाई इंस्टेंट है, राइट। दिस इज आवर 2π इंस्टेंट, दिस इज आवर 3π इंस्टेंट, ठीक है। अब ओमेगा टू इक्वल टू अल्फा पर आप देखेंगे, मैं टी ओमेगा टी इक्वल टू अल्फा एंड वी कैन राइट द टी इक्वल टू अल्फा बाई ओमेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अभी हम ये हमें इस तरह लिखते आना चाहिए ताकि कुछ टाइम कैलकुलेशन हम इसमें कर सकेंगे। अब हमने क्या किया, टी को ऑन कर दिया, टी को ऑन कर दिया तो डेफिनेटली हमारी एससीआर क्या हो जाएगी, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगी, तो ये सर्किट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। जैसे ही सर्किट क्लोज होता है तो मेरा इनपुट राइट, जो पूरा इनपुट है वो क्या होगा, डायरेक्टली यहाँ पे आउटपुट से कनेक्ट हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ द वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज इज डायरेक्टली अक्रॉस द आउटपुट और अक्रॉस द रजिस्टर, तो जितना भी इनपुट है वो सीधा सीधा क्या होगा, आउटपुट पर आ जाएगा। किस इंस्टेंट पे, अल्फा इंस्टेंट पर। तो आप अल्फा इंस्टेंट पे देखिए, मैंने एक गेट पल्स ड्रॉ करी है, ठीक है, मैंने गेट पल्स ड्रॉ करी, मैं इसको बना देता हूँ यहाँ पे, दिस इज माई गेट पल्स एट अल्फा इंस्टेंट, ठीक है। अल्फा इंस्टेंट पे मैंने गेट पल्स प्रोवाइड करी और मुझे आउटपुट मिलेगा। अल्फा इंस्टेंट पर कितना मैग्नीट्यूड मिलेगा, यहाँ पे अल्फा से लेके इस इंस्टेंट पर जितना मैग्नीट्यूड है उतने मैग्नीट्यूड की इंपल्स ड्रॉ होगी। और फिर जैसा आप देख रहे हैं इनपुट सीधा आउटपुट से कनेक्ट हो गया है, तो यहाँ पे भी जो भी इनपुट की कैरेक्टरिस्टिक है वो सेम कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, आउटपुट वेवफॉर्म की होगी, कहाँ तक, पाई तक, राइट। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे हमें आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है, ठीक है। अब आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है, सीरीज सर्किट बन रहा है, क्लोज सर्किट बन रहा है सीरीज, तो ऑब्वियसली हम क्या, हमारा क्या होगा, आउटपुट करंट भी आएगा। आउटपुट करंट का मैग्नीट्यूड देखिए मैंने थोड़ा सा कम बनाया है, यदि आउटपुट वोल्टेज ये है तो आउटपुट करंट क्या होगा, आउटपुट करंट होगा वी नॉट बाई आर, क्योंकि रेजिस्टिव सर्किट है, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, वोल्टेज के कंपेयर में थोड़ा सा कम हो जाएगा,
है ना, वोल्टेज के कंपेयर में क्या होगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड आपको थोड़ा सा कम नजर आएगा, राइट। सो दिस इज द आउटपुट करेंट वेवफॉर्म टिल पाई। अब आप देखेंगे यहाँ पे मैंने ये जीरो से अल्फा तक का डिस्टेंस छोड़ा था, ये आउटपुट करंट हमारा जीरो है जब तक कि हमने ट्रिगर नहीं किया था एससीआर को, ये वाली पहली इंस्टेंट मोड वन में यहाँ पे, राइट। अब देखिए एससीआर के अक्रॉस वोल्टेज यहाँ पे जीरो रहेगा, कब, अल्फा इंस्टेंट पे। तो अल्फा इंस्टेंट यहाँ से शुरू हुआ है और अल्फा से लेके पाई तक हमारा एससीआर क्या है, शॉर्ट सर्किट है। तो शॉर्ट सर्किट डिवाइस के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो जीरो होता है या मिनिमम होता है, तो ये जीरो हो गया। लेकिन हम जीरो से अल्फा के बीच में देखेंगे इस वाले पे, तो देखेंगे आपको जो वोल्टेज अक्रॉस एससीआर वो मिलेगा, और कैसा मिलेगा, जैसा इनपुट है। इनपुट कैसा है जीरो से अल्फा के बीच में, साइनसोइडल है ना, तो हमारा इतना पार्ट यहाँ पे ये कॉपी हो जाएगा, राइट। सीधा सीधा जीरो से अल्फा तक का इंस्टेंट यहाँ पे वोल्टेज अक्रॉस एससीआर ड्रॉ होगा, या वोल्टेज अक्रॉस थर्ड स्टेप बोल सकते हैं, और ये इंस्टेंट हमारी पाई इंस्टेंट। तो हमने देखा ओमेगा टू इक्वल टू अल्फा पर क्या वेवफॉर्म बनी। अब नेक्स्ट साइकिल क्या है, ओमेगा टू इक्वल टू पाई, दैट इज नेगेटिव हाफ साइकिल। नेगेटिव हाफ साइकिल में हमारी डिवाइसेस क्या होती है, रिवर्स बायस होती है ना, और रिवर्स बायस होती है तो ये क्या हो जाती है, ऑफ हो जाती है। यदि ये ऑफ हो जाएगी तो ये ओपन हो जाएगा, और यदि ओपन हो जाएगा तो फिर से देखिए इनपुट आउटपुट क्या होगा, डिस्कनेक्ट हो गए। तो आउटपुट वोल्टेज भी जीरो हो जाएगा और आउटपुट करंट भी जीरो हो जाएगा, लेकिन पोलैरिटी ऑफ द एससीआर वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि इनपुट क्वांटिटी यहाँ पे नेगेटिव हो गई है, तो पोलैरिटी अक्रॉस द एससीआर भी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। और ऑब्वियसली ये नेगेटिव साइकिल है तो रिवर्स बायस होगा, तो पोलैरिटी डेफिनेटली चेंज होगी। तो इस केस में, नेगेटिव साइकिल केस में, ओमेगा इक्वल टू पाई पर जो वोल्टेज अक्रॉस द एससीआर है वो जीरो ड्रॉ होगा, करंट थ्रू द एससीआर जो है वो भी जीरो होगा। ये वोल्टेज अक्रॉस द आउटपुट है ना, ये आउटपुट वोल्टेज जीरो होगा और आउटपुट करंट भी जीरो होगा, लेकिन जो वोल्टेज अक्रॉस द एससीआर है वो हमारा नेगेटिव साइकिल होगा, और कैसा होगा, जैसा इनपुट है वैसा का वैसे होगा। तो ये हमने इनपुट ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये इंस्टेंट आ गया था 2π तक। 2π के बाद आप देखेंगे साइकिल हमारी पॉजिटिव हो रही है ना, साइकिल हमारी पॉजिटिव हो रही है, और पॉजिटिव साइकिल आने पे हम एससीआर को फिर से ऑन कर सकते हैं। तो ध्यान रखना है हम एससीआर को कब ऑन करेंगे, फिर से नेक्स्ट अल्फा इंस्टेंट पर। ध्यान रखना है हमें सिमेट्रिकल फायरिंग करनी है, यदि हमने यहाँ पे अल्फा पे ट्रिगर किया है तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल पे में भी हम क्या करेंगे, अल्फा डिग्री पर ही ट्रिगर करेंगे। तो अब अल्फा डिग्री पर ट्रिगर करने के लिए हमारा जो आउटपुट वोल्टेज है वो यहाँ अल्फा तक जीरो रहेगा। आउटपुट वोल्टेज तभी मिलेगा जब एससीआर ऑन होगा, है ना, एससीआर ऑन होगा। अब यहाँ पे अल्फा पे हम फिर से एक और गेट पल्स प्रोवाइड करेंगे एससीआर को, ये हमने गेट पल्स दे दी और यहाँ से हमें फिर से आउटपुट मिलना शुरू हो जाएगा। आउटपुट वोल्टेज की कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर टू द इनपुट रहेगी, आउटपुट वोल्टेज की कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर टू द इनपुट रहेगी, और वैसे ही आउटपुट करेंट की भी कैरेक्टरिस्टिक रहेगी, ठीक है। अब एससीआर को देखेंगे, वोल्टेज अक्रॉस द थायरिस्टर, टी स्टैंड फॉर थायरिस्टर और एससीआर। मैं थायरिस्टर को कई बार एससीआर बोल दूंगा और थायरिस्टर भी बोल सकता हूँ, तो उससे कंफ्यूज नहीं होंगे। अब ये क्या होगा, देखो पाई इंस्टेंट के बाद, 2π के बाद ये साइकिल पॉजिटिव हो रही है, और अब ये रिपीटिंग है। अब आप देखिएगा ये जो पॉजिटिव हाफ साइकिल यहाँ पे रिपीटिंग है, तो जैसा आपको कैरेक्टरिस्टिक फर्स्ट पॉजिटिव हाफ में मिला था वैसा ही आपको कैरेक्टरिस्टिक क्या मिलेगा, नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल में मिलेगी। तो ये 2π से लेके नेक्स्ट 2π प्लस अल्फा इंस्टेंट, यदि इस इंस्टेंट का मैं नाम बोलूंगा तो हम क्या कहेंगे इसको, ये इंस्टेंट है 2π प्लस अल्फा। ये इंस्टेंट क्या है, 2π प्लस अल्फा। तो 2π प्लस अल्फा पे जो पोलैरिटी ऑफ द एससीआर है वो चेंज हो जाएगी, राइट। जब पोलैरिटी ऑफ द एससीआर चेंज हो गई तो ये वोल्टेज भी क्या हो जाएगा, ऐसा ही हो जाएगा जैसा जीरो से अल्फा के बीच में था, है ना। तो ये हो गया हमारा वोल्टेज अक्रॉस द थायरिस्टर और एससीआर। एंड अगेन 2π प्लस अल्फा पे हमने ट्रिगर किया है तो एससीआर शॉर्ट सर्किट है, तो वोल्टेज अक्रॉस द एससीआर इज जीरो। सो दिस इज द आउटपुट वेवफॉर्म, राइट, दिस इज द आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म, या फिर हम इसे कह सकते हैं आउटपुट वेवफॉर्म।
एससीआर में ध्यान रखिएगा, वेवफॉर्म बनाना बहुत टफ है, इसीलिए ये सारे मोड मैंने अलग अलग ड्रॉ करे हैं, इन चीज को ध्यान रखना है। दूसरा इन इंस्टेंट को ध्यान रखना है आपको, ये अल्फा है ये पाई है। यहाँ पे मैं कुछ चीजें और लिख देता हूँ, देखिए जो पूरी साइकिल का टाइम पीरियड है वो यहाँ से स्टार्ट होकर के यहाँ तक है, दैट इज टी, है ना। ये पूरा टाइम पीरियड क्या है, टी है, राइट। इसका हाफ टाइम क्या है, इसका यदि हम हाफ टाइम देखेंगे तो ये हमारा है टी बाई टू, है ना। इसका हाफ टाइम देखेंगे आप तो ये टाइम कितना है, ये है टी बाई टू, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज और एक चीज देखिए, यहाँ पे थायरिस्टर कितनी देर कंडक्ट कर रहा है, तो देखेंगे आप थायरिस्टर अल्फा से लेके पाई तक कंडक्ट कर रहा है, अल्फा से लेके पाई तक कंडक्ट कर रहा है, है ना। सो दिस इज द अल्फा इंस्टेंट, दिस इज द पाई इंस्टेंट, इतनी देर में ये ऑन है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं टी ऑन। इस पीरियड को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे टी ऑन। थायरिस्टर कितनी देर के लिए ऑफ है तो उस चीज को ध्यान देंगे। थायरिस्टर देखिए पाई से लेके नेक्स्ट टू पाई प्लस अल्फा तक ऑफ है ना, पाई से लेके नेक्स्ट टू पाई प्लस अल्फा तक ऑफ है, तो ये अपन ने यहाँ पे ऑफ ड्यूरेशन लिख दिया, तो ये हमें एकदम क्लियर होना चाहिए। तीसरी चीज यहाँ पर हमें मैग्नीट्यूड भी क्लियर होना चाहिए। यदि हम 90 डिग्री का केस लें इस इंस्टेंट पर, या फिर हम इसको इतना ही ड्रॉ करें, लेट अस ड्रॉ लाइक दिस, सिर्फ इतना। सो दिस इज द 90 डिग्री पाई बाई टू केस, है ना। यहाँ पे हमारे को क्या मिलता है, मैक्सिमम आउटपुट मिलता है, दिस इज वी एम मैक्सिमम आउटपुट, राइट। तो इस इंस्टेंट पर हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम VOM, मैक्सिमम एवरेज आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। ये छोटी छोटी टर्म्स है जो इससे रिलेटेड हमें काम आएगी। अब हम आगे आते हैं इससे नेक्स्ट साइकिल पर, नेक्स्ट पेज पर, कि इसमें और चीजें क्या होगी। इसमें हमें एवरेज आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करना है, एवरेज आउटपुट करंट कैलकुलेट करना है, RMS वैल्यू कैलकुलेट करनी है और पावर भी कैलकुलेट करनी है। तो आगे बढ़ते हैं और देखेंगे हम इसमें एवरेज आउटपुट वोल्टेज कैसे कैलकुलेट करते हैं। एवरेज आउटपुट कैलकुलेट करने के लिए ये बेसिक फंडामेंटल फार्मूला है, V नॉट इक्वल टू 1/T इज द टोटल टाइम पीरियड एंड द लिमिट वेवफॉर्म स्टार्ट फ्रॉम अल्फा टू पाई Vs d ओमेगा t। इसको हमको इंटीग्रेट करना है अल्फा से पाई के बीच में, तो हम रखेंगे 1/T, t क्या हमारा 2π है, और ये अल्फा से लेके पाई तक Vm sin ओमेगा t। अब आप इसको क्या करो, इंटीग्रेट कर दीजिए। Vm हमें पता है कॉन्स्टेंट है, इसको हम बाहर निकाल लेंगे Vm लाइक दिस, और अल्फा से लेके पाई तक हमारी जो साइन वेव है साइन ओमेगा टी, उसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए, तो आपको मिलेगा Vm by 2π, इसको आप करेंगे तो cos ओमेगा टी, और लिमिट लगा देंगे आप अल्फा से पाई, और आप यहाँ पे पाएंगे 2Vm by पाई cos, लिमिट रखिए cos पाई माइनस ऑफ माइनस cos अल्फा ब्रैकेट क्लोज एंड दिस इज वी नॉट इक्वल टू वी एम बाय 2π, कॉस पाई की वैल्यू होती है -1, तो ये हो गया -1 एंड दिस इज -1 प्लस एंड दिस इज कॉस अल्फा। तो हम इसको लिख सकते हैं वी नॉट इक्वल टू एवरेज आउटपुट वोल्टेज Vm by 2π ब्रैकेट में 1 प्लस cos अल्फा, ये हमारा एवरेज आउटपुट वोल्टेज कहलाएगा, ठीक है। द यूनिट ऑफ वोल्टेज इज वोल्ट, है ना, तो इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं वोल्ट, राइट। सो दिस इज द एवरेज आउटपुट वोल्टेज ऑफ द SCR। अब इसी तरह यदि हमें एवरेज आउटपुट करंट कैलकुलेट करना है तो सीधा सी बात है, हम लिख सकते हैं I नॉट इक्वल टू V नॉट बाई R, एंड यू कैन राइट I नॉट इक्वल टू Vm बाई 2π R ब्रेकेट में 1 प्लस cos अल्फा, ठीक है। सो दिस इज वेरी बेसिक एंड सिंपल डेरिवेशन एज पर ओम्स लॉ, यू कैन राइट हियर दैट इज I इक्वल टू
Vm by V naught by R. I naught equal to V naught by R. So this is the average output voltage and average output current in ampere. Now we can calculate the RMS output voltage. RMS output voltage. RMS output voltage calculate करने के लिए हम इसका formula VUR से represent करेंगे और जो quantity हमने यहाँ पे ली थी alpha से pi 1 by t alpha से pi जो Vs है उसका हम square लेते हैं और d omega t लेते हैं और इस पूरी quantity का हम root लेते हैं. ये basic fundamental है RMS value calculate करने का. अब आप इसको देखिए 1 by t आप ये पूरा put करें 1 by 2 pi alpha 2 pi और Vs क्या है हमारा Vm square sin square omega t and d omega t. ये हमारी bracket close और ये 1 by t. अब आप इसको calculate करिए तो calculation थोड़ा सा lengthy है. आप Vm square by 2 pi बाहर ले लीजिए alpha से pi integration limit रखिए और sin square omega t को हम लिख सकते हैं 1 minus cos 2 omega t by 2. ये बस ये formula है trigonometric formula and this is the d omega t and you can calculate with this. So अब देखिए इसको आप root से बाहर निकाल लीजिए. आप root से बाहर निकालेंगे तो vm बाहर आ जाएगा और ये root 2 pi बच जाएगा और integration में यहाँ पे bracket के अंदर बन जाएगा alpha से pi. ठीक है और इस 2 को भी बाहर ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं. बाकी रख भी सकते हैं कोई दिक्कत नहीं. इसको कर लीजिए आप इंटीग्रेशन. ये 1 by 2 मैं बाहर ले रहा हूं. दिस इज 1 minus cos 2 omega t d omega t एंड ये ब्रैकेट 1 by 2 राइट. सो दिस इज द वेवफॉर्म हियर कैलकुलेशन. और इसको हम और आगे बढ़ाते हैं. इस कैलकुलेशन से आपको VOR इक्वल टू आप लिख सकते हैं Vm by. यदि हम इसको डायरेक्ट भी लिखे तो भी चलेगा because calculation is too much but फिर भी मैं कर देता हूँ. देखिए इस 2 को आप बाहर ले लीजिए तो ये root के अंदर है. root से root बाहर आएगा तो हम इसको लिख सकते हैं VOR equal to Vm by 2 root pi. इसको ब्रैकेट में रख दीजिए एंड ब्रैकेट ओपन. इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो 1 का इंटीग्रेशन होगा. 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा ओमेगा टी और कॉस का इंटीग्रेशन होगा साइन 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2 कर्ली ब्रैकेट और लिमिट लगा दीजिए आप अल्फा से पाई और ये ब्रैकेट क्लोज और इस पे लगा दीजिए 1 बाय 2. इसको और आगे कैलकुलेट करिए आपको मिलेगा Vm by 2 root pi bracket open limit रखिए तो सबसे पहले limit यहाँ पे आ जाएगी pi minus sine 2 pi by 2 then minus alpha and minus minus plus sine 2 alpha by 2 and curly bracket भी close करेंगे आप इस तरह और ये ब्रैकेट लगा देंगे 1 by 2 पावर लेते हैं. ठीक है देखिए कैलकुलेशन आना चाहिए. मैं यहाँ पे पूरा कैलकुलेट कर रहा हूँ लेकिन आपसे बनना चाहिए. ये 2 root pi ये ब्रैकेट ओपन और आप देखिए sin 2 pi की वैल्यू होती है 0. ठीक है तो यहाँ हमारे पास रह जाएगा pi minus alpha plus sin 2 alpha by 2 और ये ब्रैकेट क्लोज इसकी पावर 1 by 2. सो व्हाट वी कैन से हियर द आरएमएस आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू हम इसको इस तरह थोड़ा सा बना लेते हैं अपने हिसाब से ताकि हमें आसानी से लिखने के लिए आसान हो जाए. So we are equal to like this. So this is our basically the RMS output voltage of the
सिंगल फेस हाफ वेव रेक्टिफायर। यदि इसी तरह यदि मैं आपसे पूछ लू कि आरएमएस आउटपुट करंट क्या रहेगा, तो डेफिनेटली हम आरएमएस आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कर देंगे, तो ये वैल्यू हमारा एम्पियर्स में आ जाएगा, आरएमएस आउटपुट करंट। अब हमें आरएमएस आउटपुट निकाल दिया, अब हमें लेनी है आरएमएस आउटपुट पावर, या फिर जब भी हम पावर की बात करेंगे तो जो पावर होती है ना, पावर, या फिर हम इसको आउटपुट पावर कहेंगे, आउटपुट पावर, तो जो आउटपुट पावर होती है वो हमेशा क्या होती है, आरएमएस ही होती है। आप ध्यान रखना है, जब तक कि आपको स्पेशली एकदम पूछा जाए कि एवरेज आउटपुट एवरेज पावर निकालिए, तब तक के पावर हमेशा क्या होती है, आरएमएस होती है। यदि हमें आरएमएस आउटपुट पावर लेनी है तो डेफिनेटली हम पावर इक्वल टू वी आई होता है, तो वी ओ आर इंटू आई ओ आर करेंगे और इसके मल्टीप्लीकेशन से हम आउटपुट पावर निकाल लेंगे, राइट। तो इसको आप कैलकुलेट करिए, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं लेकिन मैं कैलकुलेट कर दे रहा हूं। सो दैट इज आरएमएस आउटपुट वोल्टेज इनटू आरएमएस लाइन करंट, ओके। तो यहाँ पे जो आरएमएस आउटपुट वोल्टेज है वही हमारी क्या होगी, सोर्स वोल्टेज होगी, और यही हमारी, क्योंकि जो हमारी इनपुट है वो भी आरएमएस ही है। अच्छा एक मिनट, हम इसको ना कैलकुलेट करके, सॉरी ये थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया यहाँ पे, हमें क्या करना है यहाँ पे, इनपुट पावर कैलकुलेट करनी बेसिकली, है ना। इनपुट पावर क्यों कैलकुलेट करनी है, क्योंकि इनपुट पावर के थ्रू हमें इनपुट पावर फैक्टर कैलकुलेट करना है। तो जो इनपुट पावर है वो भी हमारी आरएमएस ही होगी, तो ये हमारी इनपुट आरएमएस पावर हम लिखेंगे, वी कैन राइट इट इनपुट पावर इक्वल टू इनपुट आरएमएस सोर्स वोल्टेज इनटू आरएमएस लाइन करंट, इनटू आरएमएस लाइन करंट, राइट। तो इन दो को अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इनपुट पावर मिलेगा। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए आप इन वैल्यूज को सीधे यहाँ पे रख दीजिए, तो जो हमारी इनपुट क्वांटिटी होती है वो भी आरएमएस वैल्यू होती है, और आउटपुट हमारा आरएमएस एक ही है, या लाइन करंट भी हमारा आई ओ आर ही रहेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं वी एस इंटू आई ओ आर इज वी आर डिवाइडेड बाई आर, और जो वी एस है दैट इज वी एस इंटू वी ओ आर की वैल्यू हमें पता है वी एम बाई टू रूट पाई टू रूट पाई इंटू आर ब्रैकेट में पाई माइनस अल्फा प्लस वन बाय टू साइन टू अल्फा एंड दैट इज ब्रैकेट क्लोज दैट इज वन बाय टू। तो ये पूरा कैलकुलेशन से हमें मिल जाएगा। अब हमें एक चीज और क्लियर होनी चाहिए यहाँ पे, क्योंकि जो वीएम है ये होता है रूट टू टाइम्स ऑफ द वीएस, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे ये वैल्यू पुट करके आगे बढ़ेंगे, सो दैट इज व्हाट इनपुट पावर इज वीएस इनटू रूट टू इनटू वीएस डिवाइडेड बाय टू रूट पाई इनटू आर ब्रैकेट that is pi minus alpha plus 1 by 2 sin 2 alpha 1 by 2, right। अब इसको आप, ये हमारा कैलकुलेशन हो गया, ठीक। तो ये क्या हो गई हमारी इनपुट पावर, ये पूरी कैलकुलेशन क्या हो गई हमारी, इनपुट पावर हो गई, ये हमने इनपुट पावर यहाँ पे ले ली, ठीक है। सो इट्स वेरी सिंपल। अब यहाँ पर ये जो हमने निकाला, ये हमने क्यों निकाला है, क्योंकि हमें क्या करना है, इनपुट पावर फैक्टर कैलकुलेट करना है ना। ये हमें क्यों निकाला है, क्योंकि हमें इनपुट
पावर फैक्टर कैलकुलेट करना है। सो इनपुट पावर फैक्टर इज इक्वल टू पावर डिलीवर्ड टू द इनपुट पावर, पावर डिलीवर्ड टू द इनपुट पावर। तो जो पावर डिलीवर्ड है वो क्या है, हमारी आरएमएस पावर ही हम डिलीवर करेंगे। वी ओ आर डिवाइड इंटू आई ओ आर डिवाइडेड बाई वी एस इंटू आई ओ आर। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो हम आई ओ आर आर कैलकुलेट कर लेंगे, हमारे पास यहाँ से बच जाएगा वी ओ आर डिवाइडेड बाई वी एस। और यदि आप इसको देखेंगे तो हम इसको कैलकुलेशन से भी सिंपली कर सकते हैं, लिख लीजिए आप वी ओ आर डिवाइडेड बाई दिस मच। तो हम वी ओ आर की वैल्यू ले लेते हैं, वी ओ आर हमें पता है क्या है, वी एम डिवाइडेड बाई टू रूट पाई इंटू ब्रैकेट में पाई माइनस अल्फा प्लस वन बाई टू साइन टू अल्फा ब्रैकेट क्लोज टू पावर रूट, देन डिवाइडेड बाई हम इसको रखेंगे वी एस, है ना। और अभी हमने वी एस और इसमें रिलेशन यहाँ पे देखा है, तो हम यहाँ पे वी एस इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वी एम बाई रूट टू, वी एम बाई रूट टू। तो आप इसको यहाँ पे रखिए, पावर फैक्टर लिखूंगा मैं इसको शॉर्ट में, पावर फैक्टर वी एम बाई टू रूट पाई ब्रैकेट ओपन पाई माइनस अल्फा प्लस वन बाई टू साइन टू अल्फा ब्रैकेट क्लोज वन बाई टू डिवाइडेड बाई वी एस, इसको हम लिखेंगे वी एम डिवाइडेड बाई रूट टू। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको जो पावर फैक्टर मिलेगा वन बाई ये वी एम, वी एम कैंसिल आउट हो जाएगा और रूट टू पाई हो जाएगा, ये रूट टू पाई पूरा ब्रैकेट में आ जाएगा और ये बड़ा ब्रैकेट पाई माइनस अल्फा प्लस वन बाई टू साइन टू अल्फा और ये ब्रैकेट क्लोज, राइट। सो दिस इज द फाइनली इनपुट पावर फैक्टर ऑफ द सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर, है ना। क्या मिला हमें, इनपुट पावर फैक्टर ऑफ द सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर। तो आज के इस वीडियो में हमने क्या देखा, हमने, मैं एक बार फिर से इसको रिवाइज कर देता हूँ शॉर्ट में, हमने देखा कि दिस इज द सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर विथ रजिस्टिव लोड, है ना। और इसका हमने सर्किट डायग्राम बनाया और डिफरेंट डिफरेंट मोड पर डिफरेंट डिफरेंट एंगल अल्फा पर हमने क्या किया, इसकी वेवफॉर्म को ड्रॉ किया। हमने अल्फा से पाई तक आउटपुट देखा, पाई से टू पाई तक देखा और हमने ये भी देखा कि कितनी देर में हमारा एससीआर काम करता है, कितनी देर में ऑफ रहता है। देन नेक्स्ट इंस्टेंट हमने एवरेज आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट किया, फिर हमने आरएमएस आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट किया, राइट। और उसके बाद हमने ये फार्मूला डिराइव किया। ये सारे फार्मूले हमें कैलकुलेशन में जरूरत पड़ेगी जब भी हम किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। उसके बाद हमने इनपुट पावर निकाला, इनपुट पावर इक्वल टू होता है इनपुट आरएमएस सोर्स वोल्टेज और आरएमएस लाइन करंट, उसके कैलकुलेशन से हमने यहाँ पे इनपुट पावर निकाला है, ठीक है। और इनपुट पावर के बाद हमने इनपुट पावर फैक्टर निकाला जो कि हमारे कैलकुलेशन में भी आवश्यक होगा। पावर फैक्टर इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है क्योंकि यदि पावर फैक्टर मेंटेन रहेगा तो ही हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है वो मेंटेन रहता है और बेटर कंडीशन पे रहता है। तो आई होप दैट आपको ये काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा, और जो भी आपको डाउट है वो कमेंट बॉक्स में आप पूछिए। आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड के साथ डेफिनेटली शेयर करें और मुझे फीडबैक दे। जब जो भी आप उसमें फीडबैक देंगे मुझे उससे पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, कुछ अच्छा होगा तो मैं इसमें और इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूंगा। और आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर यदि वीडियो चाहिए हो तो वो भी मुझसे आप कह सकते हैं, मैं उस नए टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बना दूंगा। तो आज के इस लेक्चर को ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।